वेलकम टू इन्फोसिक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे HDFC बैंक के डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हो नेट बैंकिंग से लॉगिन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने HDFC बैंक का वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन, तो यहाँ से लॉगिन करना होगा कस्टमर ID एंड पासवर्ड देके। जब आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो HDFC बैंक बहुत ही कॉस्टली डेबिट कार्ड देते हैं, लेकिन आप उसको ब्लॉक करके एक लो कॉस्ट डेबिट कार्ड ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ब्लॉक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा HDFC बैंक का नेट बैंकिंग मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑफर दिखा रहा है, 3 लाख तक का टू व्हीलर लोन, पर्सनल लोन और भी बहुत सारे ऑफर है यहाँ पर। तो अगर आपको लोन लेना है या इनमें से किसी भी ऑफ़र आपको लेना है तो आप ले सकते हो। आप भी आपके जो ऑफ़र सेक्शन है वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक कार्ड का सेक्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। पहले आएगा क्रेडिट कार्ड, नीचे देखिए एक ऑप्शन है डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है। क्लिक करने के बाद आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, देन आप ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेबिट कार्ड स्टेटस है वहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड नंबर दिखा रहा है एंड स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ से आप कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। तो मैंने डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कार्ड, मैंने सेलेक्ट कर लिया है कार्ड लॉस्ट, कार्ड डैमेज, कार्ड नॉट रिसीव एंड कार्ड डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, देन आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो रिमार्क पे मैंने ना कर दिया है, देन कॉन्फर्म पे क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे देना होगा कुछ, ब्लैंक रहेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ATM डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग सक्सेसफुली, मतलब ये ब्लॉक हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखिए रीयू इश्यू का ऑप्शन है, तो आप फिर से इस कार्ड को एक्टिव कर सकते हो, नहीं तो आप नया कार्ड लेने के लिए अपग्रेड का जो ऑप्शन है यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव डेबिट कार्ड जो दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए देयर आर नो एक्टिव डेबिट कार्ड लिंक्ड ऑन योर कस्टमर ID एंड यहाँ पे देखिए जो कार्ड है वो हॉट लिस्टेड है, मतलब स्टॉप हो चुका है, अभी इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप रुपे कार्ड भी ले सकते हो क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ही कम है। तो नया कार्ड अप्लाई करने के लिए आप ब्रांच पर जाके भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से ये जो कार्ड है इसको अपग्रेड करके कर सकते हो। जो डेबिट कार्ड को आपने ब्लॉक कर दिया है उसको आप अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो यहाँ से अनब्लॉक करने के लिए आपको 200 रुपीस चार्ज देना होगा, देन आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है क्योंकि अगर आपके कार्ड खो जाता है एंड फिर से अगर आपके कार्ड मिल जाता है तो आप उसको दोबारा एक्टिव कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैंने यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स बता दिया है HDFC बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में, कैसे इसको आप ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर आपके कार्ड खो गया है तो आप इस वीडियो को देख के उस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारा चैनल इन्फोसिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस तरह का वीडियो और भी देखना पसंद करते हो तो भी आप देख सकते हो क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो।